एक्शन प्रो का चिन माउंट जो कि आपके हेलमेट पे लगेगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने बाइक परचेस की है, हेलमेट भी है, बट हेलमेट में वो उस तरह का मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो जस्ट मैंने एक सिक्योरिटी के लिए, एक सेफ्टी के लिए परचेस कर लिया एक्शन प्रो का जो कि चिन माउंट है, तो इसे मैं भी हेलमेट पर लगाऊंगा। तो उससे पहले आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है और क्या इसके साथ मेरे को आया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्सिंग करने, जब इसके रैप को मैं हटाऊंगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है एक कुछ इस तरह का, मैंने ग्रीन कलर का ऑर्डर किया क्योंकि हेलमेट जो है वो ब्लैक कलर का है, और बेसिकली अभी रिसेंटली मैं घर पे हूँ अपना, तो जस्ट मैंने कैजुअली परचेस किया है, बट अभी मैं आपको जब मैं डेली वापस लौटूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ एक मिलता है जेस्ट सेफ का हुक, ये हुक बेसिक काम आएगा जो आपके एक्शन, जो आपके एक्शन कैमरा है, चाहे आप गोप्रो यूज़ कर लो, चाहे आप गो कैम यूज़ करो, इजी का यूज़ करो, आप DJI का यूज़ करो, आप कोई भी एक्शन कैमरा इसके साथ यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से बेसिक आपको क्या करना है, अपने हेलमेट को लेना है और उसके फ्रंट में आपको इस तरह से इसे रख करके, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसके में जो आपको एक बेल्ट सेफ का मिलता है देखने के लिए, तो बेसिक उसे क्या करना है आपको, वहाँ पे उसे इंसर्ट करके जैसे कि आप बेल्ट लगाते हो उसी तरह से जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल करके लॉक करना है। अब जितना टाइट रखो उतना बेटर है, ठीक है। तो इसे मैं जस्ट अभी लगा लेता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ लगाने के बाद ये कैसा दिखता है। तो बेसिक इसे आप लगा लो एक बार अच्छे से, इस तरह से टाइट करके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसका कैमरा भी देखना होता है कि कैमरे का कैसा एंगल है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेट करनी होगी, ठीक है। तरह से दोनों साइड के जो बेल्ट्स हैं दोनों साइड को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इस तरह से लॉक कर दिया है, ठीक है। देख सकते हो आप इस तरह से जिस मैंने फंसा कर उसे यहाँ पे हुक के शेप में दिया हुआ है, उसे मैंने लॉक कर दिया है, ठीक है। इसे टाइट कर दिया, अब टाइट करके इसे क्या करूँगा मैं यहाँ पे जस्ट इसे प्रेस कर दूंगा, अब प्रेस कर दूंगा तो हो जाएगा लॉक, इस तरह से लॉक हो गया। बट थोड़ा सा भी लूज रहेगा उसके लिए जो आपके एक्स्ट्रा जो आपके बचे हैं उसे क्या कर दो, आप एक दो गांठ बांध दो यहाँ पे, है ना, बाइंड कर दो इसे आप जस्ट, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका और भी ज़्यादा ये टाइट हो जाएगा, तो वो काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उस तरह से टाइट, अब इस तरह से ये हो गया है फिक्स काफ़ी, और काफ़ी सही लग रहा है, टाइट भी हो गया है और ब्लैक भी, थोड़ा नियॉन कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है यहाँ पे बेसिक, ठीक है। तो अब इसमें टाइम आता है मेरे को कैमरा माउंट करने का, तो मेरे पास है डिजिटेक का गो कैम 101 एक्शन कैमरा, तो इसे मैं भी लगाऊंगा। तो इसे जस्ट इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे डाल करके आपको जो आपके स्क्रू मिलेंगे उसे आपको जस्ट टाइट कर देना है, इस तरह से डाल करके, ठीक है। तो इस तरह से जस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे टाइट कर दूंगा, आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी अगर आप देखना चाहते हो इस एक्शन कैमरे का रिव्यू और कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये मैंने जस्ट यहाँ पे इसे फिक्स कर लिया, मैं इसे बार पहन के देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो और बाकी अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो एक बार लिंक जाकर चेक करो नीचे आपको, या हमारा सीधा से भी चैनल पे जाकर के देखो, वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो काफ़ी सही लग रहा है एक्शन कैमरा, क्योंकि मुझे इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो हेलमेट है उस पर भी कोई नुकसान नहीं है कि मुझे ड्रिल वगैरह करना, बाकी सही लग रहा है देखने में।